हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवदत्त अग्रवाल और आज फिर एक प्रैक्टिकल सेक्शन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और एक और सॉल्यूशंस यहां पे मेरे पास है। जैसे कि मैंने बताया इससे पहले एक वीडियो मैंने रेडमी वाई वन का बनाया था जिसमें मैंने उसका माइक बनाया था। आज मेरे पास रेडमी वाई वन एक और है, उसी समय मैंने बताया था खुद दो मेरे पास रेडमी वाई वन आए हैं। तो इसमें डिस्प्ले ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो कैसे नहीं आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ग्राफिक्स नहीं आ रहा कैसे, हमने डिलीट किया। सो यहाँ पर दिखा दीजिए थोड़ा पास ला के, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे USB एम्पियर। तो मैं सबसे पहले इस फ़ोन को USB एम्पियर में लगा के दिखाता हूँ। अगर ये नॉर्मल एम्पियर लेता है, जैसे जैसे हमारे फ़ोन को हम बैटरी लगाते हैं, और अगर ये फ़ोन डेड होता है ना तो नॉर्मल एम्पियर उस तरीके से नहीं लेता, जो 2 एम्पियर तक चला जाता है, क्योंकि जब फ़ोन चालू रहता है तो हमारा फ़ोन एटलीस्ट 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर के ऊपर तक चला जाता है। तो बेसिकली फ़ोन हमारा वर्क कर रहा है पर ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है और ये हमने लगाया। अब दिखाइए यहाँ पर, देखिए एम्पियर दिखाई दे रहा है क्या? देखिए ये फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ था, ये देखिए एम्पियर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अभी 0.60 एम्पियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा 1.9 एम्पियर दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये सेट हमारा चालू हो रहा है और हमारा पूरा चार्ज ले रहा है, पर यहाँ पर डिस्प्ले हमको नहीं आ रहा है। ये हम DC मशीन से भी चालू करके अपना देख सकते हैं, बट ये मैंने आज आपको एक अलग तरीके से बताया। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या इसमें फॉल्ट है। दोस्तों चलिए इसको फॉल्ट को समझने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। मैं आपको जो भी यहाँ पे बेसिक बताऊंगा वो बेसिक मैं आपको बहुत ही एक शॉर्ट लेवल बताऊंगा, क्योंकि जब आप क्लास आएंगे तो बिल्कुल एंडलेस काम होगा, स्टार्टिंग से एंड लाइक 3G वाले फ़ोनों में कैसे सप्लाई वोल्टेज आते हैं, क्या CPU की सप्लाई, 4G वाले में क्या आते हैं, लेटेस्ट फ़ोनों में जो डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए वोल्टेज आते हैं, सिर्फ वोल्टेज नहीं पूरी एक एक सप्लाई मैं आपको बताऊंगा कि रिसेट की, और उसके अलावा कौन कौन सी सप्लाई डिस्प्ले से CPU को जाती है, डिस्प्ले से पावर को जाती है, PM1 को जाती है, PM2 को जाती है। तो पूरी सप्लाई ये जानने के लिए आपको क्लासेस तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले कनेक्टर दिखाई देगा, दिखाइए जरा, देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले कनेक्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए। सो डिस्प्ले कनेक्टर पे शुरुआती लेवल पे आप क्या चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। सो मोटा मोटा ये मेरा डिस्प्ले कनेक्टर है मान लीजिए। सो उसकी किसी पिन पे सबसे पहले तो आप एक 1.8 वोल्टेज ये जरूर देखिएगा, ये हमारे VIO वोल्टेज होते हैं। दूसरा, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट सेट है तो जनरली कॉलकम के लेटेस्ट सेटों में जो आपको वोल्टेज बनता है, एक बनता है +5 और एक -5, जो कि एक VSP और एक VSN की सप्लाई होती है, और इसमें डिस्प्ले IC भी लगी है जो कि बनाती है वोल्टेज। सो ये एक MOLED अगर सेट होता तो ये वोल्टेज कुछ अलग बनाती, पर एक IPS डिस्प्ले के साथ आया इसलिए इसका वोल्टेज अलग है। सो हमें इसको चालू करके हमें देखना है +5 -5 वोल्टेज की सप्लाई और एक VIO 1.8 वोल्टेज की सप्लाई, ये तीन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर ये हमको वोल्टेज नहीं बनते हैं तो हम डायरेक्ट IC पर जाएंगे और देखेंगे कि IC कैसी है, IC पे कचरा तो नहीं है, रस्ट तो नहीं है, पानी तो नहीं जमा है, या फिर IC टूटी है, जो भी है। और हम ये भी देखेंगे कि अगर IC के अंदर के निकाल के उसके वोल्टेज उस पर EN सिग्नल आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए तो इस कनेक्टर पर सबसे पहले हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, या मल्टीमीटर दिखाई दे रहा होगा आई होप सो आपको। देखिए आप यहाँ पर, मैं अभी आपको यहाँ के बैटरी के वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको 3.8 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे होंगे। अब मैं इसमें इसको ऑन करता हूँ, देखिए मैं चार्जर भी लगा लेता हूँ साथ में। देखिए मुझे यहाँ पे एम्पियर दिख गया है, मैं हल्का सा इसको स्विचिंग करता हूँ यहाँ पे इसकी पावर की के साथ, और 4 सेकेंड का टाइम देता हूँ। अब देखिए, अब मुझे लगता है क्योंकि इसके वोल्ट एम्पियर बढ़ गए हैं, 1.8 एम्पियर पर चला गया, ये तभी जाता है जब ये फ़ोन ऑन होता है। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर VIO वोल्टेज 1.8 वोल्टेज बन रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि फ़ोन ऑन हो गया हमारा, पर हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके, तो देखिए यहाँ पर इसकी जो मुझे +5 वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर +5 वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। सो बेसिकली मैं इसकी एक बार डिस्प्ले IC को चेक करूँगा। देखिए
डिस्प्ले आई थी इसके जस्ट पीछे यहाँ पे आपको दिख रही होगी, देखिए हालांकि मैंने इसकी डिस्प्ले आई थी पहले ही चेक कर ली थी, और मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ पर क्या फॉल्ट कैसे चेक किया था शुरुआत से। तो मैंने क्योंकि इस बार मैंने डीसी मशीन से फ़ोन ऑन नहीं किया, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है ना कि आप बूट केबल भी लगाओ तो डीसी मशीन से फ़ोन ऑन नहीं होता है, रीस्टार्ट होता है, ये बात आप जानते होंगे, सम टाइम ये केसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने बैटरी लगा के किया और मैंने चार्जर का यूज़ कर लिया। अब देखेंगे आप यहाँ पर, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर है ना, ये आईसी हल्की सी टूटी हुई दिखाई दे रही है आपको, आई होप कि आपको दिखाई दे रही हो, ये देखिए हल्की सी टूटी हुई दिखाई दे रही है। तो ये हो सकता है इसके अंदर का सर्किट यहाँ पे, और यहाँ पे जो टूटी है ना ये आपके नोज कट पॉइंट, मतलब ये ई एन सिग्नल, यहाँ पे ई एन सिग्नल मिलता है इसको, तो बेसिकली इसको ई एन नहीं मिल रहा होगा। रीज़न ये है कि इसके अंदर का मुझे मॉसफेट जो लगा हुआ आईसी के अंदर का वो डैमेज हो गया होगा, और यही रीज़न है कि ई एन स्विचिंग नहीं कर पा रहा होगा, सो इस वजह से हमारा यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा होगा। तो चलिए सर इसी पे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारी डिस्प्ले आईसी को हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डिस्प्ले आईसी को निकाल लिया है, ये हमारी आईसी है, देखिए आपको टीवी में दिखाई दे रहा होगा। ये 15 वोल्ट की डिस्प्ले आईसी है, अब इसको हम क्लीन करते हैं और डिस्प्ले आईसी को हम चेंज करेंगे। अभी हम इसके ई एन सिग्नल दोस्तों अगर चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं, पर हमें जम्पर लगाना पड़ेगा, पर क्योंकि आईसी का ही प्रॉब्लम था इसलिए अभी ई एन सिग्नल चेक नहीं करेंगे। और अगर आपको पूरा सीखना है तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए। अब से लाइव प्रैक्टिकल डिस्प्ले आईसी लगवाएंगे, डिस्प्ले के फॉल्ट हो, आपके कैमरा के फॉल्ट हो, आपके पास में चार्जिंग का फॉल्ट हो, आपसे एमएमसी का फॉल्ट हो, सारे जो मोबाइल हैं लेके आइए। अब देखिए ये हमारी डिस्प्ले आईसी यहाँ पे क्लीन हो चुकी है 15 वोल्ट की, यही आईसी है जो हमारा वीएसपी और वीएसएन प्लस 5 मतलब वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव बनाती है। तो चलिए अब हम इसमें एक दूसरी डिस्प्ले आईसी लगाते हैं किसी दूसरे हमारे स्क्रैप बोर्ड से निकाल कर। तो मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, मैं इसकी डिस्प्ले आईसी निकालता हूँ। ये देखिए डिस्प्ले आईसी हमने निकाल ली है, इस आईसी का भी एक नंबर होता है, हमें इस आईसी को रिवॉल्व करेंगे। बिना रिवॉल्व किए हुए आईसी मत लगाइए कभी। ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले आईसी,
हमने इसके ऊपर के बॉल हटा दिए, अब हम इसको रिबॉल करेंगे। दोस्तों ये सारे प्रैक्टिकल लाइव सोल्यूशन इससे टेलीकॉम आपके लिए ला रहा है और ये बता रहा है कि आप भी ये सब काम कर सकते हैं। सिर्फ एक बार आपको कदम उठाना है, घर से बाहर निकलना है। यूट्यूब से मैं बैठकर देखकर जिंदगी भर ये काम आप कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और एसर टेलीकॉम और बाकी इंस्टीट्यूट में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हम 10-20 दिन की गारंटी पे पढ़ाते नहीं, हम पूरे एक महीना में और बैकअप सपोर्ट, और बैकअप के लिए हम कोई भी चार्ज, कोई रिचार्ज, कोई बैलेंस, टॉपअप, ये सारी चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमने आपसे एक बार फीस ली तो ज़िंदगी भर वो उसी फीस में आपको अपडेट देंगे। तो चलिए अब हम रिबॉल कर देते हैं और लगा दे देते हैं। चलिए हम रिबॉल कर देते हैं और लगा देते हैं आईसी को। रिबॉलिंग के लिए आपको खास डिस्प्ले स्टेंसिल की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिवर्सल से रिबॉल कीजिए। देखिए डिस्प्ले की हमारी रिबॉल हो चुकी है। हमारी आईसी रिबॉल हो गई है, हमको सिर्फ लगाना है दोस्तों और आउटपुट चेक करना है। बने रहिए, पूरा लाइव देखिए वीडियो और लाइक जरूर कर देना। तो देखिए हमारी आईसी रिबॉल हो चुकी है, अब हम एक बार इसको फिर से हिट देंगे इसकी बॉल को बराबर करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले आईसी हमारी लग गई है, और आप देख सकते हैं डिस्प्ले आईसी हमारी रिबॉल हो चुकी है। अब हम इसको सीधा लगाते हैं दोस्तों। ये हमारी डिस्प्ले आईसी, हमेशा ध्यान रखिएगा, गलती कभी मत कीजिएगा नोज कट पॉइंट की। सावधानी से लगाना है सीपीयू के बगल में, क्योंकि देखिए अपने आप हिल रही है, इसका मतलब लग गई हमारी आईसी। एक बार फाइनल टच देंगे,
तो हमारी डिस्प्ले ऐसी लग चुकी है, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर। लूबो लिखा हुआ है, लूब लिखा हुआ है उसके ऊपर में, और नीचे इसका नंबर है 7460। तो इसे टेलीकॉम को जरूर ज्वाइन करो अगर लेटेस्ट में सीखना है तो, क्योंकि अभी तक आधे मोबाइल आधे इंस्टीट्यूट सैमसंग के J2 या उसके भी नीचे में पड़े हुए हैं। अगर उसमें सीखना है तो फिर काम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सुबह 8 से 12 तक प्रैक्टिकल, फिर आधे घंटे का ब्रेक के बाद, फिर 5 बजे तक थ्योरी, फिर आधे घंटे ब्रेक के बाद में फिर 8 बजे तक जो प्रैक्टिकल पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ा उसी पर प्रैक्टिकल। तो चलिए इसको सेट पर लगाएंगे हम। यहाँ पर दिखाइए, देखिए यहाँ पे हमारा MI का आ गया है लोगो, हमारा ग्राफिक्स आ चुका है, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स आ चुका है। मैं एक बार इसके 5 बोल्ट आपको, ये देखिए चार्जिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, ग्राफिक्स आ चुका है हमारा। मैं इस फ़ोन को ऑन करता हूँ, ये देखिए मतलब हमारा बिल्कुल सही अंदाजा था, इसका डिस्प्ले हमारा चला गया था। ये देखिए यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अभी बार प्रैक्टिकल में एक बार वोल्टेज चेक कर लीजिएगा, देखिए मेरे से गलती से कनेक्टर भी निकल गया। फिर से ऑन करते हैं इसको एक बार और, देखिए फोन यहाँ ऑन हो चुका है, वोल्टेज देखिएगा आप सभी लोग। देखिए +5 आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए -5। तो दोस्तों कैसा लगा सेक्शन बताइएगा जरूर। इससे पहले हमने बनाया था एक इसी मॉडल का, एक दूसरे कस्टमर का ऑडियो सेक्शन जिसमें हमने बनाया था उसका माइक, अब इसी का हमने बनाया डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो ये सारी चीज़ें इससे टेलीकॉम सिर्फ आपके लिए लेकर आया है, और आई होप कि आपको ये सब पसंद आए और आपको पता चले कि एसर टेलीकॉम आपको कितने लेवल पर अपडेट देगा और क्या क्या सिखाएगा। एक बार ध्यान रखिएगा, एसर टेलीकॉम ज्वाइन करने वाला हर एक बच्चा बस कमर कस ले मेहनत के लिए, क्योंकि वो नाम कमाएगा जो उसने सोचा भी नहीं था। और हमारी लाइव वीडियो डेली क्लास देखने के लिए फेसबुक पे जाइए और लिखिए एसर टेलीकॉम, सर्च कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि हमने कल क्या काम किया, हमने उससे एक दिन पहले क्या काम किया, जो हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट कभी रिवील नहीं करता, बट हम रिवील करेंगे।
यहाँ पर आज हम ईएमसी चेंज आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे ईएमसी चेंज कर लेगा? बस नोट, सिर्फ नोट 6 प्रो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो कर रहे हैं वो नोट 5 प्रो की बात कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्लैक पे स्टेट काम ठीक है। अभी हमारे ये देखिए, तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है मेरे भाई, अलग से गिफ्ट मैं अलग दूंगा और वो कसम से अल्टीमेट होगा। तो अभी दिमाग में रख लो, अभी भी टाइम है। बेसिकली टाइमिंग बताओ यहाँ पर कितने बजे के कितने बजे है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?